U20 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस वक्त मलिक मार्केट इलाके से खबर क्या है वो अपडेट लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। अगर इस तरफ की बात करें तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह से ही मलिक मार्केट इलाके की बात करें तो वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही थी। कुछ दिन पहले जिस तरह से जो MG हेक्टर का शोरूम था उसे जो है वो तोड़ा जाना था, लेकिन इस दौरान हंगामा हो गया था और पथराव जो था वो हुआ, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने फैसला वापस लिया और इसे काम को जो है वो फिर फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। और आज की बात करें तो एक बार फिर वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, उस शोरूम को तोड़ा जा रहा है, इस रास्ते को बंद किया गया है। अगर वेवमाल इलाके से आगे की तरफ जाने वाले रास्ते की बात करें तो किसी भी शख्स को यहां से आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन उस तरफ से यहां पर आने वाले लोग जो हैं उनके लिए गाड़ियां जो हैं वो खोल दी गई हैं, रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। वहां से इस तरफ जो है वो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, वहां से जो व्हीकुलर मूवमेंट है उसे जो है वो शुरू कर दिया गया है। और अभी भी वहां पर इस शोरूम को गिराने का काम जो है वो लगातार जो है वो इस वक्त चलता हुआ, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अगर आपको कुंजवानी इलाके से इस तरफ की बात करें तो वहां पर आना है तो वहां के लिए व्हीकलर मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उस तरफ से जो है वो लगातार लोग जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। हालांकि जाम की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लेकिन अभी भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पूरी तरह से चलती हुई, क्योंकि आज प्रशासन ने जो है वो सही फैसला लिया और समय पर फैसला लिया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो आज किए ताकि कोई भी गड़बड़ी जो है वो यहाँ पर ना फैल सके। क्योंकि उस दिन पिछले शनिवार की बात करें तो रात को जो है वो पथराव जब हुआ था और उस पथराव के बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने सोच समझ के काम जो है वो लिया है और आज पुलिस की भारी तैनाती वहां पर की गई है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी तैनाती की गई है। और यहां से ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की बात करें तो पुलिस यहां पर है, पुलिस के वाहन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। आज प्रशासन और पुलिस की बात करें तो आज प्रशासन और पुलिस ने जो है वो समय रहते सही फैसला लिया ताकि किसी को कोई नुकसान जो है वो ना हो। ये आप देख सकते हैं किसी भी शख्स को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है, हालांकि वहां से इस तरफ आने के लिए इजाजत आज मीडिया भी बैन है, आज मीडिया को भी यहां से आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। मीडिया से ये कहा जा रहा है कि आप उस गिरते हुए MG हेक्टर का जो शोरूम है उसे ना दिखाएं। हालांकि कुछ मीडिया कर्मी वहां पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन मीडिया भी यहां से आगे जो है वो अलो नहीं है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी को भी यहां से आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। हालांकि दो चार लोग जो हैं वो आगे जरूर गए होंगे, आपने तस्वीरें जो हैं वो देखी होंगी, उनकी अच्छी पहचान जो थी वो पुलिस से है और उनमें आगे जाने की इजाज़त जो है वो दी गई है, कुछ गाड़ियां भी आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन आम लोग जो हैं उन्हें यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम लोगों को यहां पर रुका गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि वो तस्वीरें जो हैं वो सामने आएँ जिससे लोग जो हैं वो भड़क जाएँ और फिर उस तरह के हालात जो हैं वो पैदा हों। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहां पर किसी भी शख्स को यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, पुलिस जो है वो यहां पर है और मीडिया का जमावड़ा भी जो है वो यहीं पर है। और आज तामझाम से पहुंची है पुलिस, क्योंकि पहले उस दिन शनिवार की बात करें तो जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस को भी समझ नहीं आया कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि अंधेरे का लाभ उठाते हुए लोगों ने जमकर पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन आज पूरे जो सामान के साथ पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी जो है वो यहाँ पर ना हो सके, किसी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि उस MG हेक्टर शोरूम जो है उसे जो तोड़ा जा रहा है अभी भी लगातार काम जो है वो वहां पर चलता हुआ और एक साइड की ट्यूब जो है वो यातायात के लिए जो है वो खोल दी गई है। और अगर प्रशासन ने समय रहते उस दिन भी इस तरह से पूरे इंतजाम के साथ उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया होता तो शायद जो लोग जख्मी हुए वो ना होते, जो गाड़ियां टूटी वो ना टूटती और कई पत्रकार जख्मी हुए, कई पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो जख्मी हुए, पुलिस के अधिकारी जो हैं वो जख्मी हुए, आम लोगों को जो हैं वो चोटें पहुंची। लेकिन आप ये देखें, यहां पर फिर आपको दिखा दें कि यहां से किसी भी शख्स को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि लोगों का जमावड़ा आगे हो और उसके बाद जो हालात उस दिन वहां पर बने थे वो आज भी यहाँ पर बने, पुलिस नहीं चाहती है कि जो उस दिन हालात हुए वो आज यहाँ पर बने, इसलिए सुबह से ही दोनों रास्ते जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और किसी को भी यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ये साफ कर चुकी है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी तो चलेगी। महबूबा मुफ्ती दिल्ली में पहुंची, प्रदर्शन किया कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ना चले। उमर अब्दुल्ला पत्रकार वार्ता करते हैं और वो कहते हैं कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ना चले, लोगों के घर ना छीने जाएं। अल्ताफ बुखारी, क्योंकि
कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव उन लोगों पर चलाई जाए जिनके पास सैकड़ों कनाल जमीन है। प्रोटेस्ट हुए, डोगरा फ्रंट शिवसेना ने प्रदर्शन किया, कहा बड़े मगरमच्छ जो है उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अल्ताफ बुखारी उनकी सपोर्ट में आ गए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर समुंदर नहीं है और मगरमच्छ नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर अल्ताफ बुखारी भी तमाम उन लोगों के साथ थे जिनके नाम उस लिस्ट में हैं जिनके खिलाफ नोटिस जो है वो निकाले गए हैं। अल्ताफ बुखारी उन्हें समर्थन करते हुए नजर आए और अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बुलडोजर जो है वो ना चलाया जाए। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस आज पूरे साजो सामान के साथ यहां पर पहुंची है। टियर गैस शेल्स आप देख सकते हैं ये पुलिस के पास है, उस दिन भी थे, काफी चलाए भी गए थे, लेकिन उस दिन रात का समय था, अंधेरा था, लाइट बंद हो गई, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई और कई लोगों को घायल किया गया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचते हुए, क्योंकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं एसएसपी जम्मू चंदन कोहली खुद जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी और भी ऐसे हैं जो यहां पर मौजूद हैं। डीसी जम्मू अवनी लवासा जो है वो यहां पर पहुंची थी कुछ ही समय पहले, जो है वो यहां से निकली हैं। लेकिन अब यहां से खबर यह है कि उस शोरूम को लगभग आधे से ज्यादा तोड़ दिया गया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, रिकॉर्डेड तस्वीरें, क्योंकि वहां पर जाकर तस्वीरें दिखाना जो है वो सख्त मना है। मीडिया को यहां से आगे जाने की इजाजत जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है कि आप यहां से आगे जो है वो चले जाएं। और अभी और कुछ मशीनरीज मंगवाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि उस तरफ जो है ये मशीनें जो है वो लेकर वहां तक जाया जा रहा है, क्योंकि जो मशीनरीज वहां पर लगाई गई हैं वो थोड़ी शायद कम पड़ गई हैं, पूरे साजो सामान के साथ शायद एडमिनिस्ट्रेशन ना पहुंचा हो। और अब यहां से इन मशीनरीज को यहां से लेकर जाया जा रहा है ताकि वहां जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है उसे वहां पर चलाया जाए। ये आप देख सकते हैं कुछ ही समय पहले पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहां पर पहुंचे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पर पहुंचे, और अब ये बुलडोजर चलेगा अब एमजी हेक्टर शोरूम पर। ये बुलडोजर जा रहा है, ये एमजी हेक्टर शोरूम को गिरा देगा। ये आप देखें, लोग विरोध करते रहे लेकिन आखिरकार बुलडोजर जो है वो इधर चलते हुए, और ये अब मशीन आप देख रहे हैं इससे अब गिराया जाएगा। यह पुलिस की वैन भी आप देख रहे हैं, पुलिस की वैन इसे लेकर जा रही है सुरक्षा में। यह बुलडोजर जाता हुआ, यह मशीन जो है सुरक्षा में जाती हुई, इसकी सुरक्षा की जा रही है। बस बस, पुलिस सुरक्षा में इसे ले जाया जाएगा, क्योंकि जब उसे गिराना होगा तो वहां पर मशीनरी पहले से लगी है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आप ये मशीन जो है इसे यहां से लेकर आगे जाया जा रहा है पुलिस सुरक्षा में। पुलिस के अधिकारी जो हैं वो सुरक्षा में हैं, और आप देख रहे हैं ये बुलडोजर वहां पर इस वक्त जाता हुआ, ये बुलडोजर गिराएगा उसी हेक्टर शोरूम को। पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि आप आगे ना जाएं, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में आप देख रहे हैं कि आप जम्मू की बात करें तो आज आखिरकार जम्मू में पीला पंजा उस एमजी हेक्टर शोरूम की बात करें तो वहां पर जो है वो चलाया गया है, उसे तोड़ा गया है, और अब आखिरकार जो मशीनरीज वहां पर कम पड़ रही थी अब यहां से ये मशीनरी जो है वो वहां पर ले जाई जा रही है और उसे तोड़ा जाएगा। सुबह से ही आज पुलिस और प्रशासन ने समझदारी से काम लिया है, लोगों का जमावड़ा नहीं होने दिया। दोनों रास्ते, चाहे वो वेवमाल की बात करें तो वेवमाल से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई, और उसके बाद कुंजवानी से इस तरफ किसी को आने की इजाजत नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि जो भी सड़क पर लोग जो हैं वो यहां पर आते हैं, पुलिस के जवान और अधिकारी उन्हें कहते हैं कि आप इससे आगे ना जाएं, क्योंकि पुलिस आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो उस दिन हुआ वो आज ना हो, जो बीते शनिवार को रात को हुआ था वो आज ना हो, उसको चलते पुलिस आज सतर्क है। किसी को भी आगे नहीं जाने दिया गया, हमें भी आगे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जब मीडिया इस चीज को दिखाता है तो लोग जो हैं वो भावुक हो जाते हैं। जब किसी का घर टूटता है, अगर कोई लाइव तस्वीरें देखता है तो उसके भावनाएं भड़क जाती हैं जैसे पिछले शनिवार को भड़की थी। और यही कारण है कि पुलिस जो है वो आज सख्ती बरत रही है, किसी को भी डील नहीं दी जा रही है कि आप आगे जाएं। इवन कि मीडिया से भी कहा गया कि आप भी जो हैं वो आगे नहीं जाएंगे, कानून सबके लिए बराबर है। और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी हमला जो है वो पीछे है, फायर ब्रिगेड जो है वो पीछे है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो पीछे है। सख्ती जरूर बरत रही है पुलिस, क्योंकि कहा सुनी भी होती है, पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी है। इस ड्यूटी के दौरान हमने देखा कि कई लोग बहस भी करते हुए नजर आए, हमने भी कहा कि हम आगे जाएंगे, लेकिन हमें भी आगे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो जो पहले हुआ था। इसलिए आज पुलिस के रूल्स काफी सख्त थे, किसी को भी यहां से आगे नहीं जाने दिया गया ताकि कोई माहौल खराब ना हो। अभी खबर अच्छी यह है कि आप देख सकते हैं कि
एक तरफ का जो रास्ता है उसे खोला गया है, क्योंकि अभी भी वहां एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है उस शोरूम को गिराने का काम लगातार चल रहा है। पिछले शनिवार को जमकर पत्थरबाजी हुई और यहीं से हम आपको रात को लगभग 9 से 10 बजे के बीच रिपोर्टिंग दिखा रहे थे, जिसमें हमें भी चोटें आई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, महिला पुलिसकर्मी घायल हुई, कई गाड़ियां टूटी, कई